बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं ला न्यूज़ और मैं हूँ वाजिद अली। मैं आज आपको बताऊंगा कि अखरोट किस तरह तैयार होकर मार्केट में आते हैं और किस तरह आप तक पहुँचते हैं इनकी तैयारी। और ये देखें, मेरे हाथ में भी आप ये अखरोट देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अखरोट उतारने के बाद ये एक मुश्किल प्रोसेस है और उसके बाद इसको मार्केट में किस तरह लाया जाता है, तो आइए चल के हम देखते हैं कि अखरोट को उतार के मार्केट में किस। जी मैं इस वक्त खोड़ियाँ लंबिया में मौजूद हूँ। हमारे पीछे ये भाई हैं जो अखरोट को उतार रहे हैं और आइए हम चल के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि ये अखरोट आप कैसे उतारते हैं और इनको उतारने के बाद किस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये मार्केट में जाता है? सबसे पहले हम ये अखरोट जो है ऊपर से उतारते हैं, उसके बाद इसको कमरे में जमा करते हैं टोड़ों में और इसको कमरे में डालते हैं। वहाँ पे जो है ना ये इनको खुशक करते हैं, फिर धूप में इनको सुखाते हैं। सुखाने के बाद जो है ना वो मार्केट में बिल करते हैं। तो कितना फायदा हो जाता है आपको इनसे? फ़ायदा होता है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है ना, फ़ायदा हो जाता है, बस ये गुजारा हो जाता है लोगों का। इसमें जो अपनी मेहनत मजदूरी होती है वो पूरी हो जाती है लोगों की, जो है ना तकरीबन एक दो महीने का राशन जो है ना बन जाता है बाद लोगों का साल का राशन भी यहाँ से मुहैया हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा इसमें महकमा लाइफ ज़रात जो है ना वो तवज्जो दे, ताकि ये जो दरख्तों के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं इनकी दवाई दें, इनके स्प्रे हो, ताकि ये आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत इसकी मैसर हो। जी तो ये भाई हमें बता रहे हैं कि मतलब हमें ये अखरोट उतारने के बाद कुछ ना कुछ तो गुजारा हो जाता है, मतलब लेकिन महकमे के बारे में इनके भी तहफात हैं कि वो इनके इनसे सही जो तावन नहीं कर रहे, तो हमारी भी अपील है महकमे से कि इन लोगों के साथ तावन किया जाए ताकि आगे ये मार्केट में कुछ ना कुछ कमाई कर सकें।